जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 माह नवंबर का असाइनमेंट दोस्तों 4। तो दोस्तों प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर असाइनमेंट 4 हमारा आ चुका है सर, इसका हल करा दीजिए हल करा दीजिए, काफ़ी स्टूडेंट ने कहा। तो आप लोगों की डिमांड पर दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं असाइनमेंट 4 कक्षा 10वीं विज्ञान का पूरा हल आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम कराने वाले हैं दोस्तों। और आपको हम बता दे, आज हम आपको जिस प्रकार से सॉल्व कराएंगे दोस्तों पूरी यूट्यूब चैनल पर किसी ने नहीं कराया होगा दोस्तों, जो आज हम आपको कराने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कोई नहीं कराएगा, मैं आपको एक एक प्रश्नों को अच्छे से जवाब दूंगा दोस्तों, और आप लोग मेरे उत्तर से आप सहमत भी हो जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए प्रश्न, आप देखते चलिए, मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा दोस्तों, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा। देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है तो आप जानते हैं दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा कि आपका जो पूर्णांक है 20 का है, ठीक है। चलिए ये तो आप सभी को पता है भाइयों, आगे देखिए क्या है, थोड़ा से आगे देखिए बढ़िए, आगे प्रश्न हमारा क्या है, एक देखिए प्रश्न क्या है, एक का 4 अंक देखिए। अब शब्द सीमा 75 से 100 के बीच सभी का है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं उत्तर की ओर दोस्तों, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपको रासायनिक ये दिख रहे हैं आपको, मतलब खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रंजक चूर्ण, इसका आपको करना क्या है, रासायनिक नाम और सूत्र लिखना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आप लिखिएगा। तो सबसे पहले आप उत्तर डालिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा खाने का सोडा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, चलिए मैं आपको लिख कर दिखाते हैं दोस्तों, आप भी लिखिए। देखिए दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाए, देखिए क्या सोडियम, तो सोडियम आपका क्या होता है, सोडियम होता है Na, तो लिखिए आप Na। अब Na हाइड्रोजन H, अब देखिए उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट को बोलते हैं CO3, तो हमारा सूत्र क्या बना, NaNaHCO3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धोने का सोडा रासायनिक नाम, देखिए रासायनिक नाम तो हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका सूत्र दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3। उसके बाद दोस्तों जल के 10 अणु होते हैं, यानी कि 10H2O, तो आपका सूत्र क्या बन गया, Na2CO3, और जल के कितने अणु दोस्तों, 10, तो 10H2O दोस्तों हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है हमारा, आगे आप देखिएगा तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या, हेमी हाइड्रेट। तो अब देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र आप लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, CaSO4 पूरे का क्या दोस्तों, होल ट्वाइज के बाद भी दोस्तों 2H2O, यानी केवल H2O, तो दोस्तों हमारा क्या सूत्र हो जाएगा, CaSO4 पूरे का होल ट्वाइज 2H2O हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब आगे आपको दिखा देते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जा रहा हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका हो जाएगा सूत्र दोस्तों CaCaOCl2 आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड आपका हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न का है क्या रहा है, आप पढ़िए प्रश्न को, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है आपको समझाना है। देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए क्या है, साबुन में, देखिए सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है किसके द्वारा दोस्तों, मिसेल के द्वारा, अधिकांशतः मैल तैली होती है, सही बात है, हम जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है, यानी जो तेल होता है दोस्तों पानी में क्या, अघुलनशील होता है, यानी सॉरी घुलनशील होता है दोस्तों, क्या सॉरी घुलनशील होता है, ठीक है ना। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें आप क्या RCOM द्वारा व्यक्त करते हैं। साबुन को जल में विलेय करने पर साबुन धातु पर क्या M
प्लस आयन, यहाँ पर प्लस होना चाहिए दोस्तों, क्या एम, यहाँ पर एम प्लस आयन और आर ओ एच आयन में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर माइनस के चिन्ह है दोस्तों, ठीक है, आप इसे रख लीजिएगा, यहाँ पर प्लस आयन है। उसके बाद आर सी ओ ओ एच आयन दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आर जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है तथा तेल के अणुओं से जुड़ जाती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा देखिए, और दूसरा हमारा क्या है, समझिए इसी में आगे प्रश्न को आगे से मूव करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए और देखिए दूसरा सी ओ ओ, यहाँ पर ये भी माइनस भाग, जो सिर बनाता है दोस्तों, क्या सिर बनाता है तथा जल में विलय होता है। और देखिए आगे क्या है, जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबोया जाता है तो साबुन का ऋण आयन क्या तेल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा तथा सी ओ ओ माइनस चार्ज वाला सिर बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं, इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बह जाता है और इस प्रकार से हमारे कपड़े दोस्तों क्या साफ हो जाते हैं, ठीक है, यही बताया गया। तो आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इतना कर लीजिएगा, चलिए ठीक है, आप इतना कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आगे देखिए, तो प्यारे दोस्तों आगे आप देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, आपको बताना क्या है दोस्तों, धमनी एवं सीरा में आपको कोई चार अंतर बताना। तो हमने कई अंतर लिख दिए, आप देखिए हमने काफ़ी अंतर लिखे, आप समझिए। पहला देखिए, धमनी और सीरा, ये रुधिर को हृदय से ये जो धमनी होती है रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, सही बात है, और ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। धमनियों में कपाट नहीं होते और सिराओं में अर्धचंद्रकार कपाट होते हैं जो रुधिर को शरीर की ओर उल्टा बहने से रोकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हमने कई अंतर लिख दिए दोस्तों, आपकी मदद के लिए जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिखिएगा। धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है और सिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है, ठीक है। धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, अतः ए गुलाबी या चमकीले रंग लाल रंग की होती है, और सिराओं में अधिकतर अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है, अतः ए गहरी लाल या नीली सी प्रतीत होती है, ठीक है। धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और सिराएं त्वचा के समीप स्थित होती हैं, ठीक है। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है और सिराओं की भित्ति पतली होती है, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं सभी प्रश्न, आप देख लीजिए। आगे देखिए, धमनियों में पेशी स्तर मोटा होता है, सिराओं में पेशी स्तर पतला होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आधा आधा करके, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। चौथा प्रश्न क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमने देखिए चित्र बना दिया है दोस्तों, आपके लिए हमने क्या दिया दोस्तों, चित्र को बना दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये बाएं ब्रक, उसके बाद बाई ब्रक सिरा, महाधमनी, हमने बाई देखिए मूत्रवाहिनी, महासिरा, मूत्र आशय, मूत्र मार्ग, सब कुछ हमने इसमें दिखा दिया दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब आगे देखिए क्या है, पेस मेकर यंत्र कि देखिए किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। चलिए पेस मेकर यंत्र के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए पेस मेकर मुख्य रूप से एक मेडिकल उपकरण है, जो पेस मेकर यंत्र दोस्तों क्या मेडिकल उपकरण होता है जिसका संचालन बैटरी के माध्यम से किया जाता है। इसे डॉक्टर दिल की धड़कनों को नियमती करने के लिए लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, दिल की धड़कन को जानने के लिए दोस्तों क्या डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए लास्ट प्रश्न है हमारा, तो लास्ट प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी परिस्थितिकी
तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम इसकी व्याख्या कर देते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने लिखा क्या है, किसी परिस्थिति की परिस्थितिक देखिए तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर को देखें तो पौधे द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, क्या दोस्तों, पुनर्परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, अब पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न स्तरों पर होता है। प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर, इस प्रकार ऊर्जा विभिन्न स्तरों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें हमने लिखा क्या है, तो कि आगे हमारा बहुत ही आगे देखिए क्या है, सामान्यतया पौधों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का भाग, लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके भी 10% भाग पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोगकर्ताओं को उपलब्ध होता है। प्राथमिक उपभोगकर्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10%, क्या दोस्तों, लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाता है। ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता अलग अलग परिस्थितिक तंत्रों में अलग होती है और 2 से लेकर 24% तक के आंकड़े शोधकर्ता ने प्राप्त किए हैं। तो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पूरा राइट आंसर। दोस्तों हमने आपको अभी के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया दोस्तों, आप लोगों का जो असाइनमेंट 4 है इसको हमने कवर कर दिया और आपको हमने फुल सोल्यूशन बताया वो भी रीड करके दोस्तों, और आपको हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई आप किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से अच्छे नंबर लाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको हम फिर से बता रहे हैं, यदि आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को PDF के साथ साथ आपको हर एक मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।